हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ऑली बोर्ड पे आरआरबी क्लर्क का लाइव मॉक चल रहा है। अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाइए, अटेम्प्ट कीजिए। ये मॉक बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और ये मॉक कल शाम यानी कि ट्यूजडे इवनिंग 7 PM तक लाइव रहेगा। अगर आप इस मॉक को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ऑली बोर्ड के ऑफिशियल साइट olibord.in या तो फिर ऑली बोर्ड के ऐप के थ्रू इस मॉक को अटेम्प्ट किया जा सकता है। मैं भी जस्ट अटेम्प्ट करने ही जा रहा हूँ, तो आइए मॉक स्टार्ट करते हैं। मॉक स्टार्ट होने में आपको देखिए 15 सेकेंड लगेंगे। स्टार्ट टेस्ट हैबिटेट HABIT80। इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। बी के फोर्थ राइट में, मतलब 1 2 3, बी थर्ड पे हो जाएगा इसके फोर्थ राइट। बी के बाद CDEF H के बाद I के बाद T आंसर हो जाएगा। इफ द सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाई आई, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड। इफ द सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड MIT, टिप तो है, हिट भी है, EIR नहीं है, PIN 3। पता नहीं, मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है, इसको छोड़ते रहे। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाई द इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर, प्रीवियस लेटर एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल, सो हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वोवेल। फर्स्ट लेटर, प्रीवियस लेटर, सेकंड, LM मोर देन वन वोवेल बोल रहे ना। ST नहीं है, GH ये भी नहीं है, ED ये भी नहीं है, LMN OP 1 आंसर हो जाएगा। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर चेंज टू इमीडिएट नेक्स्ट लेटर एंड द सेकेंड लेटर इज चेंज टू द इमीडिएट प्रीवियस लेटर, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव ओनली वन वोवेल। ओनली वन वोवेल, प्रीवियस MN हो जाएगा, TU ये होगा, TU तो एक हो गया, PQ नहीं होगा, MN ये भी हो गया, दो HI हो गया, TU भी हो गया, ये गलत, EFRS ये भी नहीं है, PQNO 3 आंसर हो जाएगा इसका। इफ लेटर आर इंसर्टेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, इसके इमीडिएट लेफ्ट, तो ये हो जाएगा क्या, MART, मार्ट, मीनिंगफुल वर्ड बोल रहा है, इसको नहीं रहने दे रहे। दे आर सिक्स फैमिली हेड्स, F1 F2 F3 F4 F5 F6, सिक्स है ना, एक दो तीन चार पाँच छः। ओनली वन फैमिली हैज मोर देन द फैमिली मेंबर्स देन F1, F1 से ज़्यादा एक का है। ओनली टू फैमिलीज हैव लेस नंबर द फैमिली देन F6, ओनली टू था। F3 हैज मोर नंबर ऑफ फैमिली देन F6, F3 ग्रेटर देन F6,
बट लेस देन F1, तो F3 यहाँ पे हो जाएगा। F5 है, 5 है मोर नंबर ऑफ फैमिली देन F2, F5 मोर फैमिली देन F2 बट लेस देन, बट F5 फैमिली डज नॉट हैव द मोर नंबर ऑफ, अच्छा तो ये हो जाएगा F5, ये हो जाएगा F2, ठीक है। द फैमिली विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैज 10 मेंबर्स, इसका 10 हो जाएगा, फैमिली नंबर हैज 2, लिस्ट वाले का 2। F3 F7 फैमिली मेंबर्स, F7 एंड F3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ F1, F3 एज 7, तो 7 से ज़्यादा 10 से कम 8, 9 कुछ भी होगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लिस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली लिस्ट में F2, इफ द टोटल फैमिली मेंबर्स ऑफ F2 F5 इज 6, F2 और F5 इज 6, F5 का 4 हो जाएगा। देयर आर 6 विलेज ए बी सी डी ई एफ, ए इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के 5 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है, और फिर सी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, सी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एस, ठीक है, फिर डी इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी, डी इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी, सी, ठीक है, और फिर क्या है, डी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एफ, डी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एफ, एफ के ईस्ट में 10, ठीक, फिर क्या बचा है, एफ बीच इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ ई, एफ 5 किलोमीटर साउथ है ई। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए और एम, सॉरी ए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एम, विच इज एग्जैक्टली बिटवीन डी सी, डी और सी के एग्जैक्टली बीच में बैठा है एम, एम का शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा 2 के 100, 125, 125 का हो जाएगा 11, 11 है 121, बराबर 144, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन बी ई, बी और ई के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा 20, इन विच डायरेक्शन ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी से साउथ वेस्ट, व्हाट इज द, हु इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ, ओ ये दूसरा है, 8 persons ए बी सी डी ई एफ जी एच आर हॉरिजेंटली लाइन, ठीक है, लेफ्ट टू द राइट एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में बी है, 4 persons सिट बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के बीच में 4 persons है, डी हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू एफ, डी के बगल में एफ है, जी इज स्टैंडिंग राइट कॉर्नर, जी राइट पे है, जी हाँ हो गया, ठीक है, एंड 3 persons सीट्स बिटवीन जी एंड ए, 1 2 3, ये यहाँ पे, सी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए, देखो एक में एच यहाँ पे, सी यहाँ पे, दूसरे में एच यहाँ पे, सी यहाँ पे, ठीक है,
अब देखिए बोला है एच के इमीडिएट राइट में भी, तो इसमें तो जगह नहीं है एच के इमीडिएट राइट में भी, यहाँ पे हो गया। और डी चार छोड़ के ई, देखो डी को यहाँ रखेंगे तो एफ के लिए जगह नहीं होगा, तो यहाँ पे ई बैठाएंगे, चार छोड़ के डी यहाँ पे, एफ यहाँ पे होगा, कोई द स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट पे ई हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में दो दो चार एक पाँच। वट इज द पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के सेकेंड राइट में, सेकेंड टू द राइट, टू विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एलिमेंट, टू पर्सन सी स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के गलत है, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ बी, ये भी गलत है, और चेतन इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम, ये भी गलत है, ई सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द, ई इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड जी, एच एंड जी के बीच में बी, ये का आर एस टी यू बी, फाइव ऑफिस ऑफ ए बिल्डिंग, नंबर ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर, मतलब फोर थ्री टू वन, इसको जीरो को ग्राउंड कर दो, ठीक है, ऑफिस यू इज ऑन थर्ड फ्लोर, यू थर्ड पे है, ठीक है, आर इज आइदर फोर्थ और सेकेंड, एक में आर यहाँ पे, दूसरे में आर यहाँ पे, ठीक है, दे आर टू फ्लोर्स बिटवीन बी एंड एस, ये तो गलत हो गया, देखो बी यहाँ पे तो एस यहाँ पे हो जाएगा, एंड ऑल्सो बी इज बिलो यू, यू के बिलो बी, तो एस यहाँ पे हो गया, तो एक बचा यहाँ पे कौन सा, टी टी यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफिस आर देयर बिटवीन यू एंड टी, यू एंड टी के बीच में दो हो जाएगा, एट पर्सन वेयर बोर्न इन एट कंसिक्यूटिव ईयर, 74 से 81, 74 75 76 77 78 79 80 81, ठीक है, एल वाज बोर्न बिफोर बाई, बाई से पहले एल, ठीक है, सो देयर बी फोर, फोर पर्सन है तो एल, एक दो तीन चार छोड़ के बाई, ठीक है, आर वाज बोर्न इमीडिएट आफ्टर बाई, बाई के इमीडिएट वर्ड आर है, ठीक है, थ्री ईयर्स बिटवीन आर एंड ई, आर एंड ई के बीच में एक दो तीन है, ठीक है, ओ वाज इमीडिएट ईयर बिफोर ई, ई से इमीडिएट ओ यहाँ पर, ठीक है, टी वाज बॉर्न इमीडिएट ईयर आफ्टर एन, एन के इमीडिएट बाद टी है, ठीक है, डी वाज नॉट बॉर्न इन ऑड, तो डी इवन पे है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो ओ को सबसे ऊपर लेते हैं, ओ दो छोड़ एक इमीडिएट नीचे ई, ई से तीन छोड़ के आर, एक दो तीन छोड़ के आर हो गया, आर से इमीडिएट ऊपर बाई हो जाएगा, ठीक है, अब देखो एल चार छोड़ के बाई रखने, बाई से चार छोड़ के एल के लिए जगह नहीं है, तो ऊपर छोड़ के लेंगे, एक में एल यहाँ पे ले ले रहे हैं, ओ इस वाले में यहाँ पे ओ, जस्ट नीचे ई, तीन छोड़ के आर, एक दो तीन छोड़ के आर, इसमें ओ, ई चार छोड़ के, तीन छोड़ के आर यहाँ पे, आर बाई के इमीडिएट नीचे आर, बाई यहाँ पे, ठीक है, एन से इमीडिएट नीचे टी, एन से इमीडिएट नीचे टी यहाँ पे, एन से इमीडिएट नीचे टी यहाँ पे, ठीक है, और डी इवन यहाँ पे, तो इवन का जगह नहीं है, ऐसे इन बीच ईयर डी वाज बोर्न, डी वाज बोर्न इन 1974, हुए अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएटली आफ्टर ई, ई के इमीडिएटली आफ्टर एन है, पर्सन वर बोर्न बिटवीन डी और एल, डी और एल, नन कोई नहीं, हु वाज बोर्न इन 1975, 75 में एल है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देयर वेयर थ्री पर्सन बोर्न आफ्टर टी, टी के बाद थ्री गलत है, टू पर्सन वेयर बोर्न बिटवीन डी एंड एन, ये भी गलत है, फोर पर्सन बोर्न बिफोर ई, ये भी गलत है, नन वन टू थ्री,
एग्जीबिशन सिक्स डिफरेंट गेम्स वेयर केप्ट इन थ्री स्टैक सच दैट द स्टैक कंसिस्ट ऑफ टू गेम्स स्टैक टू इज बिलो थ्री थ्री और एवर वन मतलब थ्री टू वन ठीक है। ओपल इज केप्ट एवव रूबी, रूबी से एवव ओपल है ठीक है। पर्ल इज केप्ट एट स्टैक वन, स्टैक वन में पर्ल नहीं है ठीक है। डायमंड इज केप्ट एवव इमरल्ड्स एंड टोपाज, टोपाज और इमरल्ड्स ठीक है। रूबी एंड ओपल आर केप्ट विथ, नॉट केप्ट विथ टोपाज, टोपाज के साथ रूबी और ओपल नहीं ठीक है। पर्ल इज नॉट केप्ट विथ ओपल, टोप पर्ल ओपल और टोपाज के बीच में नहीं है। अब देखो इस वाले में हो जाएगा, बोले पर्ल इसमें नहीं है तो पर्ल इसमें हो गया, इसमें पर्ल यहाँ पे लेते हैं, एक में यहाँ पे लेते हैं ठीक है। अब बोला है पर्ल से ऊपर था, पर्ल से रूबी से इमीडिएट ऊपर, देखो रूबी, रूबी से इमीडिएट ऊपर में ओपल यहाँ पे हो जाएगा, इसमें रूबी यहाँ पे तो ओपल यहाँ पे ठीक है। अब पर्ल के रूबी के साथ टोपाज नहीं है, ओपल के रूबी और ओपल के साथ टोपाज नहीं है, रूबी ओपल के साथ टोपाज नहीं, टोपाज यहाँ पे आ जाएगा, रूबी ओपल के साथ यहाँ नहीं तो टोपाज यहाँ पे हो गया ठीक है। पर्ल के साथ भी टोपाज नहीं है तो ये तो गलत हो गया, ये सही। टोपाज इज केप्ट विथ टोपाज फर्स्ट स्टैक, ओपल इज केप्ट विथ, ओपल इज केप्ट विथ डायमंड। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, रूबी स्टैक टू सही है, टोपाज स्टैक थ्री, टोपाज स्टैक फर्स्ट में है भाई। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेम आर केप्ट बिलो इमरल्ड, इमरल्ड से बिलो कोई भी नहीं है, नन। इफ डायमंड इज रिलेटेड टू रूबी, डायमंड इज रिलेटेड टू रूबी, पर्ल इज रिलेटेड टू टोपाज ठीक है। इन द सेम वे ओपल इज रिलेटेड टू रूबी और पर्ल, इफ द डिजिट विच अपीयर्स एट द इवन पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग्स इज रिड्यूस बाई वन देन हाउ मेनी लेटर्स वुड इमीडिएटली फॉलोड बाई इवन नंबर डिजिट ठीक है। एक दो तीन एक चार, पाँच छः, सात, बीच ऑफ फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नाइन और फिफ्थ फोर्टीन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह पाँच आंसर। एज मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन देयर टू द लेफ्ट ऑफ एच एज टू द राइट ऑफ एच, के लेफ्ट में कितना लेटर है, एच के लेफ्ट में एक दो तीन चार है, एक दो तीन चार, एल के बाद हो जाएगा चार। If all the digits are dropped from the strings and the letter arranged in alphabetical order from left to right, then which of the following will be the fifth from the left in? Fifth from the left. Fifth from the left in A है, B नहीं है, C हो गया, सी और नहीं है, डी हो गया, डी के बाद ई है, एफ है, आंसर एफ हो गया।
फिलहाल रहने दे रहे हैं। 8 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फेसिंग नॉर्थ है सम, फेसिंग साउथ कुछ बताया नहीं है, ठीक है। डी इज इमीडिएटली राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में डी है, ठीक है। ई इज सिटिंग एडजेसेंट टू बी, बी के बगल में ई है, ठीक है। एंड बी सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, मतलब बी साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो ऊपर वाले को साउथ करवा दे रहे हैं। सी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, सी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू ए, ठीक है। एफ एंड ए आर नॉट सिटिंग इन द सेम रो, मतलब एफ और ए अलग अलग रो में है। जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट में जी है और जी के अपोजिट में बी है, और देखिए बी के बगल में ये है, मतलब ये वाला ऊपर जाएगा, बी ऊपर, उसके जस्ट नीचे एच, एच के थर्ड लेफ्ट में जी, ठीक है। ओके, यहाँ पे जी, बी के बगल में ई, ई भी हो गया, ठीक है। ए इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू जी, देखिए जी के बगल में ए नहीं होगा, तो ये यहाँ पे, ए यहाँ पे हो जाएगा, ए के इमीडिएट राइट में डी हो जाएगा, ए के सामने सी नहीं है तो सी यहाँ पे हो जाएगा, एक बचा है एफ, एफ यहाँ पे, बिल्कुल सही। जी इज सिटिंग, जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। सेलेक्ट द पेयर ऑफ दी सिटिंग अपोजिट टू इच अदर, डी के सामने एफ नहीं है, डी के सामने ई नहीं है, ई के सामने सी, ऐसा ही। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स एडजेसेंट टू ई, ई के बगल में ए भी है। सेलेक्ट द ऑड वन, एफ डी जी एफ, एफ आई ग्रेटर इक्वल टू बी, आई ग्रेटर इक्वल टू तो नहीं है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू जी, एक्स ग्रेटर इक्वल टू जी, ये भी गलत है, नीदर हो जाएगा। सी ग्रेटर इक्वल टू ओ, सी ग्रेटर इक्वल टू ओ नहीं होगा, डी ग्रेटर इक्वल टू एस, डी ग्रेटर, ये भी नीदर हो जाएगा। जी ग्रेटर इक्वल टू एस, सी ग्रेटर इक्वल टू एस नहीं होगा, यू ग्रेटर देन बाई, यू ग्रेटर देन बाई, बिल्कुल सही, ओनली सेकेंड फॉलो। एक्स ग्रेटर देन आर, एक्स ग्रेटर देन आर सही है, और आई, ए ग्रेटर देन आई, ए ग्रेटर देन आई नहीं है, ओनली वन फॉलो। एक सौ 50 30 80, 787, 1387 हो जाएगा, 1387 माइनस 1125, 262, 262 माइनस 146, 12 में से 6 जाएगा, 6 5 में से 4 जाएगा, ये 116, 29 चौका 16 से 4 हो जाएगा, 125% ऑफ 18, 18 के अंदर 9, 9 के आधा 4.5 तो हो जाएगा 22.5, और 18 का 25% 9, 4.5, 4.5 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा आंसर, 18 को अगर 2 से भागा देंगे 9 आंसर। चौचौ है 196 और 6 6 36, 6 216, 216, ठीक है, प्लस 300, 301, 400, 496, 495 माइनस 216, 216 और 420, 39, 439, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक
जाएगा 16 है 256, नहीं 16 है 256 ही होना चाहिए, 14 है 196 और 299 तो हो जाएगा 300 400 495 माइनस हो जाएगा 6 का 216 और 23, 9 239, 6 5, 16 16 ही आंसर था। इसको इस साइड ले जाते हैं, 72 72 माइनस करेंगे 600, 640% 1500, 1.5 1.5 3 3 2 2/3, 9 9 दुनिया 18 18 और 9 9 माइनस करेंगे तब 18 आएगा, 15 चौका 60 60 हो गया, 24 दुनिया 48 49 49 चौका हो जाएगा 196 196 माइनस 60 तो गलत हो रहा है, प्लस होगा सॉरी, 6 9 6 15 256 16 16 है 256 ये हो जाएगा 132 55 गुने 108 बटे 132 माइनस 24 ये हो जाएगा 11 गुने 12 12 ये हो जाएगा 11 बटा 8 होता 9 99 माइनस 24 5 75 सॉरी 5 9 5 45 45 माइनस 24 जाएगा 45 माइनस 24 1 21 आंसर है। ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 भाग 6 गुने 6 2 2 गुने 2 गुने 2 2 3 6 3 3 कट गया 2 3 6 3 3 कट गया 3 3 9 दुनिया 18 18 गुने 16 70 17 है 289 माइनस 1 288 35% मतलब 70% इसको 20 70 7 14 माइनस हो जाएगा 50% 30 का 15 हो जाएगा 15 माइनस का 1 4 4 चौके 16 9 चौके 36 तो हो जाएगा 49 9 6 54 के 4 बाकी 5 6 5 30 5 35 गलत हो गया 49 माइनस करेंगे 10 बचेगा 10 6 60 आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 5 बटे 2 × 3 बटे 4 × 15 - 8 5 ये क्या 2 2 4 1 5 5 बटे 4 × हो जाएगा 4 बटे 3 × 15 - 8 3 5 15 4 4 कट गया 5 5 25 - 8 ये क्या हो गया भाई 5 बटे 4 × 4 बटे 3 × 15 - 8 3 5 15 5 4 4 कट गया 5 5 25 माइनस 8 ये तो गलत जा रहा है।
4 1 5, 5/2 × 4/3 × 15, 2 × 4 हो गया 5, 5 × 5 = 50, 50 - 8 कॉमन सा चीज के लिए, 5, 5 × 3 = 15 हो गया, 15 - x = 16, 8, 8 × 8 = 8, तो यहाँ 7 आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा अप्रोक्स ना 50 × 13, 13 × 50/65, 13 × 5 = 65, 5 × 10 = 10, 10 से 16 × 5 = 80, 80 80 प्लस हो जाएगा 1 × 4, 8 × 8 = 64, 64 / 4 = 16, 4 × 4 = 16, 4 आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 343 होता है 7 का + x = 10% होगा, 1% हुआ 10% हुआ 60, 30 × 15 हमें उसके साथ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तेईस उन्हें 60/69, 23 × 3 = 20, 60, 20 × 5 = 20। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कलेक्शन मेड बाय द क्रिमिनल एंड फाइट क्लब? 100 ही करोड़ रहे, ठीक है, परसेंटेज भी 100 है। रेशियो कलेक्शन क्रिमिनल और फाइट क्लब, क्रिमिनल हो गया 20, फाइट क्लब हो गया 30, मतलब 2:3 आंसर है। कलेक्शन मेड बाय मिशन इम्पॉसिबल इज हाउ मच परसेंट ऑफ द कलेक्शन मेड बाय परफेक्ट मिशन इम्पॉसिबल और परफेक्ट, 10/25 मतलब 5 × 10, 5/25 मतलब 2/5 मतलब 40%। What is the average collection made by the Mission Impossible Criminal and Revenge? Mission Impossible Criminal and Revenge 20, 10, 30, 10, 40, 10, 45, 15, 30, 45, 15 करोड़। What is the sum of the collection made by the Perfect or Revenge? Perfect ये रहा, Revenge ये रहा, 25, 35, 10, 40, 40 करोड़। What is the difference between the collection made by criminal or fight club? Criminal or fight club का difference 10 करोड़। If KKR run, KKR scored run by hitting 4 and 6 only and ratio of the 4 and 6 is 1:1, then find the run scored by hitting 4. KKR 1000 रन बनाया तो 500 KKR रन बाय हिटिंग 4 और 6 ओनली एंड द रेशियो ऑफ 4 और 6 इज 1:1। दोनों का नंबर सेम है, रन सेम नहीं है।
अगर मान लो सौ चौका लगाएगा, सौ छक्का लगाया तो 600, सौ चौका लगाया तो 400, 1000 सही है। तो देन फाइंड द रन स्कोर्ड बाई के केयर बाई हिटिंग 4, सो सही है क्या? फाइंड द रन स्कोर बाय केकेआर बाय हिटिंग 4, 400 रन। इफ द रन स्कोर बाय डीडी अगेंस्ट केकेआर, सीएसके एंड आरसीबी 15, 18, 7, 10 रेस्पेक्टिवली, एंड 40% ऑफ द टोटल रन स्कोर बाय डीडी अगेंस्ट केकेआर स्कोर बाय या सिंगल प्लेयर। द रेशियो ऑफ द रन स्कोर्ड बाई डी डी अगेंस्ट के आर एम आई, फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाई डी डी अगेंस्ट के आर। What is the average of run scored by KKR, MI or CSK? KKR, MI or CSK? MI 1500, 10, 2500, 2520, 4500, 4500 का एवरेज 1500। द एवरेज रन स्कोर पर मैच बाई एम आई इज 50, देन हाउ मेनी मैचेस विल एम आई प्लेड। 2000 था ना रन एम आई का, नहीं 1500, 1500 30 मैच खेले। रन स्कोर्ड बाई एम आई आर भाट परसेंटेज ऑफ दी रन स्कोर्ड बाई आर सी बी 1500, आर सी बी का है 5000, आर सी बी का है 3000। पचास परसेंट समझाने दे रहे हैं, ऑल ये रहा 8, 38, 73, 113। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस 30 है, ये हो गया 13 में से 8 जाएगा 5 हो गया, 3 में से 3 जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 हो गया 30, 35, तो यहाँ 40 होना चाहिए, 10, 40, 40, तो यहाँ 45 हो गया, 45, 3, 48, 10, 58, 158 आंसर है। आठ चौबीस साठ, 8, 24, 60, 120, 180। ठीक है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 36, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, नहीं डिफरेंस तो नहीं है। 8, 3, 24, 3 है, 24, 2, 48, अब 12, 48, 2, 50, 10, 8, 2.5 हुआ, ये 2 होगा, ये हो जाएगा 2.5, तो ये 1 होना चाहिए, मतलब 180 ही है। 18, 20, 18, 20, 24, 32, 48, 18, 2, 4, यहाँ 8, यहाँ 16, तो यहाँ 32 होना चाहिए, 48, 2, 50, 30, 80। यहाँ जाएगा 8, 8.1, 8.5, 9.4, 11। ठीक है, यहाँ से 0.1, यहाँ से 0.4, यहाँ 0.9, यहाँ पे हो जाएगा कितना, अगर 6 जोड़ेंगे तो 10, 11, मतलब 1.6, ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब 0.3, 9, 0.5, 0.7,
11 मतलब 6, 1.7, 1.1 ऐड करेंगे तो 2.7 हो जाएगा। 2.7 मतलब 11 दो 13, 13.7, 0.8, ये क्या हो गया भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पॉइंट थ्री, 9.5, 0.7 हुआ, 3, 5, 7, यहाँ अगर 9 करते हैं 0.9 तो हो जाएगा 2.5, 11, 2, 13, 13.5 है आंसर, तो यही हो जाएगा। 33, 34, 33, 34, 38, 47, क्वेश्चन मार्क 88, ठीक है। यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 9, तो यहाँ 1, 2, 3, तो यहाँ 4 चौके 16, 16 7 13, 4 5 1 6 63, ढाई साढ़े ढाई, 7, 16, 34, 70, ठीक है। 4.5 यहाँ 9, 18, 36, तो यहाँ 72 हो जाएगा। 70, 70, 140, 242, 142 हो गया। अब रीना गिव्स 20% ऑफ अमाउंट टू गीता, ठीक है, एंड 60% अमाउंट टू सीता। रीना गीता और सीता, रीना 20% दिया है गीता को, अगर 60, ठीक है, इफ सी लेफ्ट विद 2400, 2400 40 60, फाइंड द अमाउंट रीना इनिशियली हैव, हजार, ये क्या हो गया भाई, इतना यूज 20% अमाउंट टू गीता, ठीक है, एंड 60% अमाउंट टू सीता, जैसे ये 20 है, सॉरी 40 का 20, 12, 12 हजार, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया था, 32 में गया था, इन द वर्ड करने फर्स्ट सेकंड सेवेंथ एट, रिप्लेस टाइप प्रीसीडिंग लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फाउंड विद फर्स्ट फिफ्थ सेवेंथ एट लेटर आफ्टर द अरेंजमेंट। भाई इसको रहने दो, मीनिंगफुल वर्ड क्वांट सी करके देखते हैं। सर्टेन सम ऑफ द मनी बिकम सिक्स टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम्स, एंड टाइम्स का 4:5, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ नहीं आया। पूजा एंड बिना स्टार्टेज बिजनेस, इसका 78, इसका 91, 13 6 78, 13 7 91, 6 7, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ पूजा इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज 19 50 7 6 13, 1 बार में 13, 13 5 65, 150, पूजा का ना
115 96 900 हेमंत बाउट ए बॉच ऑफ 3350 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 24%। देन फाइंड द एक सौ नौ 5 × 10 6×2 62 ये हो जाएगा 5 7 71 ये हो जाएगा 2 7 × 14 6 7 46 ऑफ सीट मैन हूँ 2 सेकेंड और देता 44 02 आंसर था। दोस्तों मॉक सबमिट हो गया है, आइए स्कोर देख लेते हैं। इस मॉक में मैं टोटल 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था, जिसमें से 69 क्वेश्चन करेक्ट हुआ, 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और मेरा स्कोर बना ओनली 68.75। अगर सेक्शन वाइज देखें तो लॉजिकल रीजनिंग में मैं टोटल 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 36 क्वेश्चन सही हुए, 1 क्वेश्चन गलत हो गया और लॉजिकल रीजनिंग में मेरा स्कोर बना 35.75। वहीं क्वांट्स में मैं टोटल 33 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, जिसमें से सारे 33 क्वेश्चन करेक्ट हुए, ओवरऑल स्कोर 68.75। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 3 क्वेश्चन थोड़े थे मीनिंगफुल वर्ड के, 3 क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़ दिए थे एक्यूरेसी के वजह से, बट फिर भी एक गलत हो ही गया रीजनिंग में। अगर मॉक के लेवल की बात करूँ तो मॉक का लेवल बिल्कुल ईजी है, आप 70+ इजीली स्कोर कर सकते हैं, मेरा भी हो सकता था बट थोड़ा सा मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन में टाइम बर्बाद किया है मैंने। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मॉक को अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाइए अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट कर लेने के बाद वापस अगर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग में से जिन्होंने भी ये मॉक ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।